हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास सिक्स की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 आज से स्टार्ट है। पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे कवर करा देंगे। आपको बता दें, आपने पहले की जो भी क्लासेस नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ में हमारे ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन, इसकी लिंक भी मिल जाएगी। यहाँ से आप सारी की सारी बुक्स पढ़ सकते हो, साथ में उनके सोल्यूशन भी पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखाएं खींचिए। क्या खींचनी है? संख्या रेखाएं खींचनी है, उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाना है। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि संख्या रेखाएं आखिर होती क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिए दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक रेखा है। क्या है हमारी? एक रेखा है। इस रेखा की खासियत क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें एक मिड पॉइंट समझ सकते हो, जो कि होता है शून्य। इधर जो भी हमारे नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1, 2, 3। कहाँ तक जाते हैं? कोई सीमा नहीं दी गई है, तो अनंत तक जाते हैं। ऐसे ही इधर के जो भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3। ये भी कहां तक जाते हैं? अगर लिमिट नहीं दी गई है तो कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके दाएं साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और बाएं साइड में कैसे होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। ये होती है हमारी संख्या रेखा। ठीक, अब हम संख्या रेखा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और संख्या रेखा जो हमें बनानी है वो भिन्न में बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, संख्या रेखा जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये रही हमारे पहले क्वेश्चन की संख्या रेखा। ठीक है, और ये रही हमारे दूसरे क्वेश्चन की संख्या रेखा, और ये रही हमारे तीसरे क्वेश्चन की संख्या रेखा। तो लाइंस जो है वो हमारी ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे हम करेंगे पहला क्वेश्चन, ये हमारा बी वाला और ये रहा हमारा सी वाला। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमको सारे के सारे पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं, तो नेगेटिव नंबर है नहीं, तो नेगेटिव नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे तो एक आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 0 और हम क्या करेंगे, अपॉन में क्या है? 4 है। सकते हो क्या है? 4 है। आप कहोगे यहाँ पे तो 2 है। कोई बात नहीं, 2 है हमारा मैक्सिमम, क्या है? 4 है ना, और 2 को हम 4 बना सकते हैं ना, तो हम क्या मानेंगे? 4। तो पहले तो हम एक 1 यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, अपॉन में क्या था? 4। तो हम इसके कितने हिस्से करेंगे? 4 हिस्से करेंगे। ठीक है, 4 हिस्से करने का मतलब इस तरीके से, और ध्यान रखना है इनके बीच की दूरी जो है वो बराबर रहनी है। ठीक है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। 4 हिस्से जब करे जाएंगे तो इनके बीच में 3 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं 4 पॉइंट बना दो तो 5 हमारे हिस्से हो जाएंगे। 4 हिस्से करना है, 0 से लेकर यहाँ तक 1 हिस्सा, यहां से लेकर 2 हिस्से, यहां से लेकर 3 हिस्सा, यहां से लेकर 4था हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, सबके बटे में 4 लिखना है। मतलब जैसे कि ये है पहला पॉइंट, इसके बटे में 4 लिख दो। ये दूसरा पॉइंट, इसके बटे में 4 लिख दो। ये हमारा तीसरा पॉइंट, इसके बटे में 4 लिख दो। ठीक है, और ये हमारा क्या है, चौथा पॉइंट, इसके बटे में 4 लिख दो। अब 4 से 4 जब काटेंगे तो हमारा 1 ही तो आएगा, समझ गए ना? हमारा क्या है, 4 बटे में 4 है, जब इसको काटेंगे तो हमारा 1 ही आएगा ना। ऐसे ही ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 बटे में 4। 2 बटे में 4 का मतलब क्या हुआ, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 बटे 2, और ये रहा हमारा 1 बटे 2। ठीक, अब 1 बटे 2 कैसे आएगा आपने देख लिया। ठीक है, अब हमको क्या क्या लिखना है भाई पॉइंट्स में, हमको 1 बटे 2 करना था। ठीक है, तो ये रहा 1 बटे 2, ये रहा 3 बटे 4, और ये रहा 4 बटे 4, और ये रहा 1 बटे 4। सारे पॉइंट्स हमारे इसी संख्या रेखा में आ गया। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो ये हो गई हमारी इसकी संख्या रेखा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपॉन में सबके क्या है, 8 है। सबके अपॉन में क्या है, 8। मतलब अपॉन मतलब बटा, सबके बटे में क्या है, 8। तो हमें क्या करना है, 0। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, सबके बटे में 4 किया है तो यहाँ पे भी बटे में 4 करना ही पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव पॉइंट बना रहे हो तो बटे में 4 करना पड़ेगा, नहीं बना रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें कितने पॉइंट करने हैं, मान लो यहाँ पे हमारा 1 है,
कितने हिस्से करने हैं? 8 हिस्से करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये पांचवा हिस्सा, ये छठा हिस्सा, ये सातवां, और ये वाला हो गया हमारा आठवां। 8 हिस्से हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा हो गया 1/8, ये हो गया हमारा 2/8, ये हो गया हमारा 3/8, ये हो गया हमारा 4/8, ये हो गया हमारा 5/8, ठीक है, ये हो गया हमारा 6/8, ये हो गया हमारा 7/8, और ये हो गया हमारा 8/8, जिसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1। अब ये भी समझ लो, 8/8 का मतलब 8 × 8, 8 × 8, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ये भी हमारा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 1/4 हो जाएगा, इसको काटेंगे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमसे ये कह क्या रहे, इन्होंने कहा है 1/8 बताओ, तो 1/8 ये हो गया। फिर इन्होंने कहा है 2/8 बताओ, तो 2/8 ये हो गया। फिर इन्होंने कहा 3/8 बताओ, 3/8 ये हो गया। फिर इन्होंने कहा 7/8 बताओ, तो 7/8 ये हो गया। अगर चाहो तो आप इसके ऊपर भी इस तरीके से लिख सकते हो, 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। आंसर को अलग से लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, चाहे तो सिर्फ पॉइंट बना के भी छोड़ सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम अपना करेंगे कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला, ठीक है, जिसमें हमारे अपॉन में कितने हैं, 0 है, सॉरी 5 है। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। नेगेटिव पॉइंट बनाना चाहो तो लिख लो, -1/5 हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप बनाना चाहो तो -1/8 हो जाएगा, मर्जी है, ना बनाओ चलेगा, ठीक है। तो कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, काफी दूर हो गया, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। तो कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं। ये हमारा पहला हिस्सा, ये हमारा दूसरा हिस्सा, ये हमारा तीसरा हिस्सा, ये हमारा, ठीक है, काफी दूर हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये हमारा पहला हिस्सा, ये हमारा दूसरा हिस्सा, ये हमारा तीसरा हिस्सा, ये हमारा चौथा हिस्सा, और ये हो गया हमारा पांचवा हिस्सा। तो सबके बटे में क्या लिखना है, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये हमारा 4/5, ठीक है, ये हमारा 5/5। पर आंसर में, मतलब क्वेश्चन में हमको 8/5 भी दिया गया है, तो ये वाला नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, 6/5, ठीक है। इसको हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम अपने डायग्राम को और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमको 8/5 भी दिया है ना इन्होंने, हमको 8/5 भी बनाना पड़ेगा। और 8/5 हमारा कहाँ जाएगा, और आगे जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7/5, और ये हमारा हो गया, यहाँ पे 5 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 8/5, ठीक है, यहां तक हमने बना लिया। और इसको हम सही कर लेते हैं थोड़ा, ये हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है, ये हमारा 5/5 का मतलब 1, ठीक है। इतना हो गया, हमें चाहिए क्या क्या था, 2/5, 3/5, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई, वो हो गया हमारा 2/5, ये हो गया हमारा 3/5। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था, 8/5, 4/5, तो 8/5 ये रहा, और 4/5 हमारा ये रहा। चाहे तो आप इनके ऊपर भी लिख सकते हो, 2/5, 3/5, 4/5 और 8/5, चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो ना लिखो, ठीक है, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप बिल्कुल, मतलब आपको मैथ आती भी नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे कह रहे हैं निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हालांकि हमने जब आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जहां पे हमने पूरे चैप्टर को बढ़ाया था, ये सब आपको सिखाया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे तो आपको सिखाएंगे ही, ठीक है। तो चलिए, ये कह रहे हैं मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करो। भाई ये पहली बात तो ये समझ लो, जो इस तरीके से संख्याएं लिखी होती हैं, एक हमारा पूर्ण संख्या साथ में भिन्न, तो वो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती है,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होती है, मिश्रित द्विनोटी। इसकी खासियत क्या होती है, इसका हर छोटा होता है। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, सबका हर छोटा होगा। मतलब इसमें क्या होता है, अंश जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। अंश कैसा होता है, बड़ा होता है। और हर जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये हमारी खासियत होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20/3। पहला क्वेश्चन है हमारा 20/3। तो चाहे तो आप भाग करके भी करें, कैसे करेंगे भाई, 3 से। ठीक है, भाग करेंगे किसको, 20 को भाग करेंगे। 3 यहां लिखेंगे, 20 यहां पे लिखेंगे, और दिशांक 18। ठीक है, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। अब जो शेष बचता है हमारा वो क्या बन जाता है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ताकि जब आप नोट्स हमारे ऐप से नोट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज क्या है। ठीक है, कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, चाहे तो इस चैनल का नाम डालोगे तुरंत आ जाएगा, चाहे तो लिंक से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, वहां से भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा शेष आता है वो क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। बस इतना सा ध्यान रखो, हर हर रहता है। ठीक है, हर जो है वो हर रहता है, और ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हर जो है पूर्ण संख्या बन जाती है, भागफल जो है पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंश जो है क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अंश जो है वो 2 बन जाएगा, हर जो होता है वही रहेगा, भागफल जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसका 20/3 का मिश्रित भिन्न क्या होगा, जाके 6 सही 2/3। हम अपना बी वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है 11/5। अब हम क्या करेंगे, 5 से 11 को भाग करेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, शेष क्या बचा, 1। तो 1 ही हमारा क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। हर में क्या था, 5 था, भागफल क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, सी वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, 17/7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17/7। अब हम क्या करेंगे, 7 से 17 को भाग देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, 3 शेष बच गया, तो 3 हमारा कहाँ जाएगा, अंश बन जाएगा, भागफल हमारा यहाँ आएगा, हर में जो था वही हमारा रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे डी वाला पार्ट। ठीक है, तो डी वाले पार्ट में हमारा क्या दिया गया है, 28/5। तो हम क्या करेंगे, 5 से 28 को भाग करेंगे, 5 25 हो जाएगा, शेष जो है वो हमारा 3 बच जाएगा। तो शेष बचेगा वो हमारा अंश बन जाएगा, हर हर रहेगा, भागफल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ई वाला क्वेश्चन, 19/6। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 से 19 को भाग करेंगे, 6 3 18 होता है, 1 हमारा शेष बच जाएगा। जो शेष बच जाएगा ऊपर जाएगा, हर हमारा वही रहेगा, भागफल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम करेंगे अपना एफ वाला क्वेश्चन, जो कि है 35/9। तो हम क्या करेंगे, अब 9 से 35 को भाग करेंगे, 9 चौक 36, 9 3 27, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8। ठीक है, 8, तो मतलब 8 हमारा यहाँ पे आएगा, अपॉन में हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 3।
हाँ, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर, या अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है? थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है? ये हमसे कह रहा है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने क्या किया था, मिश्रित भिन्न में चेंज किया था, विषम भिन्नों से मिश्रित भिन्न में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न से इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे। अब विषम भिन्न क्या होता है, ये वर्ड आपके मन में आया होगा, तो कुछ नहीं है, विषम भिन्न वही भिन्न होती है जिसका अंश जो होता है बड़ा होता है, हर जो होता है छोटा होता है, वही हमारी विषम भिन्न होती है, ठीक है? विषम भिन्न को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, ऑड भिन्न भी कहते हैं, ठीक है? चलो ऑड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? तो फिलहाल इतना हो गया। अब हम इसको करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन का ए। ये है 7 सही 3/4, ठीक है? इसको कैसे करेंगे, इसको हम विषम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? हर की इस पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं, गुणा करने पे जो आता है उसमें हम अंश को जोड़ देते हैं। कैसे, 7 की 4 से गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे, और हर में जो रहता है वही हमारा आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ेंगे, 29 30 31/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बी वाला करेंगे, तो बी वाले में क्या है, 5 सही 6/7। इसमें क्या करेंगे, 7 की 5 से गुणा करेंगे और हम 6 इसमें जोड़ देंगे, बटे में जो था उसको हम लिख देंगे, 7 पे 6 35, 35 में 6 जोड़ा तो हो जाएगा 41/7, ठीक है? नेक्स्ट है 2 सही 5/6, ठीक है? इसको कर लेंगे सी वाला, 2 सही 5/6। इसमें क्या करेंगे, 6 से 2 की गुणा करके 5 को जोड़ देना है और हर में जो होता है उसको लिख देना है, 6 दूनी 12 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 17/6। अब अपना डी वाला करेंगे, डी वाला क्या है, 10 सही 3/5, 10 सही 3/5। तो हम क्या करेंगे, 10 की 5 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे, बटे में 5 कर देंगे, 10 बचे 50, 50 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53/5। नेक्स्ट है हमारा ई वाला, ई वाले में है 9 सही 3/7, ठीक है? क्या है, 9 सही 3/7। तो क्या करेंगे, 9 से 7 की करेंगे गुणा और 3 को जोड़ देंगे, बटे में 7, 9 सते 63 और 3 66/7 आ जाएगा। लास्ट है हमारा कौन सा, एफ वाले, एफ वाले में क्या है, 8 सही 4/9, क्या है, 8 सही 4/9। तो इसमें क्या करेंगे, 9 8 मतलब 8 की 9 से गुणा 4 को जोड़ देना है, बटे में 9, 8 ने 72, 72 में 4 जोड़ा हो जाएगा 76/9। बस ये हो गया हमारा चेंज। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म ही है। आप लोग वीडियोस देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, भूल जाते हो, अगर इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। और कोई डाउट हो या आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना बढ़िया सा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।